हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 11 से 17 डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम प्रोपिनॉल एंड प्रोपाइन। हमें प्रोपीन बनाना है, यानी डबल बॉन्ड तीन कार्बन एटम के साथ होने चाहिए, और हमें किससे बनाना है, एक प्रोपिनॉल यानी ओएच ग्रुप उसके अंदर होगा, और दूसरा हमें प्रोपीन से बनाना है, प्रोपाइन से बनाना है। जब ओएच ग्रुप होता है उसको हमें रिमूव करना होता है, तो वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो हम प्रोपिनॉल को डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करवाएंगे, और ये जो डिहाइड्रेशन होती है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और के साथ हो सकती है, या फिर ये हो सकती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे कराई जाती है। ये कार्बन के साथ जो ओएच ग्रुप है, इस कार्बन के साथ और ब्रायबर वाले नेबर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। और साथ में जो है ये दोनों कार्बन एटम जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम जो क्या करेंगे, डबल बॉन्डिंग करता है। जिस कार्बन एटम के पास ओएच ग्रुप होगा उसके बराबर वाले कार्बन एटम का हाइड्रोजन, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और आपस में दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्डिंग कराएंगे। इस तरह प्रोपिनॉल को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोपीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमें बनाना है प्रोपाइन की मदद से प्रोपीन, यानी डबल बॉन्डिंग को कन्वर्ट करना है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्डिंग को कन्वर्ट करना है डबल बॉन्डिंग में, प्रोपाइन से प्रोपीन। इसमें हमें जो है एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा। एडिशन रिएक्शन जो आमतौर पे किया जाता है वो निकल के प्रेजेंस या किसी भी मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, और हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहलाते हैं, और इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस भी किया जाता है। जब हाइड्रोजन के एडिशन होती है इसमें नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत है, नेसेंट हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी एसिड ऐड करके, मेटल के साथ कोई एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपेयर होगी, और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी, अटैक करेगी ट्रिपल बॉन्डिंग पर, इसको कन्वर्ट करेगी डबल बॉन्डिंग में, और अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये सिंगल बॉन्डिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह प्रोपाइन से हम प्रोपीन बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एंड एनी एसिड कंसेंट्रेटेड एसिड विच एबल टू प्रोड्यूस द नेसेंट हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 12। 12 के चार कंपोनेंट है। इसमें कहा जाता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म व्हेन वन ब्यूटेन इज रिएक्टेड विद। हमें चार कंडीशन दी हुई है और कहा है कि वन ब्यूटेन इससे रिएक्ट करता है तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस और निकल के प्रेजेंस में, आपको पता है हाइड्रोजन गैस और निकल यानी मेटल और कोई भी हाइड्रोजन गैस के सब प्रेजेंस में किया जाएगा तो वो एडिशन रिएक्शन होगा, यानी ये अनसेचुरेशन जो होगी वो सेचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह वन ब्यूटीन से ब्यूटेन बन जाएगा, और इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, ब्यूटेन। दूसरा जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन से करना है। KMnO4 जो अल्कलाइन होता है वो आमतौर पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है, तो ये KMnO4 ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, और OH ग्रुप क्योंकि अल्काइन है, अल्कली है, तो यहाँ पे तो फिर क्या होगा, ये OH ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। OH ग्रुप जो प्रोड्यूस होगा वो जाके इस दोनों जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग है इनको सेचुरेट कर देगा, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इस तरह दो ओ एच ग्रुप जब अटैच होते हैं किसी भी कार्बन की चेन के साथ तो उसको हम ग्लाइकोल कहते हैं, तो ये एक तरह से ग्लाइकोल बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, 1,2-ब्यूटेन डायोल, या इसको 1,2-डाइब्यूटेनॉल भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये ग्लाइकोल होता है। ये जो डबल बॉन्डिंग थी 1 और 2 पे ये ब्रेक हो जाएगी, और KMnO4 जो OH ग्रुप जनरेट करेगा अल्कलाइन की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रेजेंस में, पहले ऑक्सीजन बनेगा और फिर वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, OH ग्रुप हो जाएगा। चूंकि ये अल्कलाइन है तो OH बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और ये OH ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा। इस तरह 1-ब्यूटीन को अगर KMnO4 के साथ एक्वस KMnO4 अल्कलाइन एक्वस KMnO4 के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनेगा, 1,2-डाइब्यूटेनॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका तीसरा पार्ट है ब्रोमीन वाटर को जो हम 1-ब्यूटीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये भी एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमीन को जब हम किसी भी अनसेचुरेट से रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट कराते हैं, तो ब्रोमीन क्या करेगी, अटैक करेगी डबल बॉन्डिंग का, इसको अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन भी कहलाता है। तो 1-ब्यूटीन विल बी कन्वर्टेड इंटू 1
2-डाइब्रोमोब्यूटेन, 1-2-डाइब्रोमो, किसी भी दो पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर जो है, जो कि डबल बॉन्डिंग, इसलिए यहाँ से ही ब्रेक होगा, ब्रोमीन आके यहाँ पे जगह ले लेगी इसकी और डबल बॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल बॉन्डिंग में, इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा 1-2-डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा। अच्छा, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन अगर हम इसी 1-ब्यूटेन का कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन के बजाय क्लोरीनेशन हो जाएगी, जहां जहाँ पे ब्रोमीन आया था जिन कार्बन के एटम, उसका जिस कार्बन पे डबल बॉन्डिंग थे उस कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 1-2-डाइक्लोरोब्यूटेन बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी और डी आइडेंटिफाई करना है, दो रिएक्शन दिए, पहले रिएक्शन में प्रोपीन को हमने ब्रोमिनेशन की, ए प्रोडक्ट बना, फिर उसको अल्कोहल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया तो बी बना, तो अब ये ए और बी को रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम इथाइल अल्कोहल को लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो सी बनेगा, फिर उसको ब्रोमिनेशन करेंगे तो डी बनेगा। अब पहले को देख लेते हैं, जो ए और बी को आइडेंटिफाई करते हैं, हमने प्रोपीन लिया, ब्रोमीन इसके अंदर डाला, तो क्या होगा, 1 और 2 पे जो है डबल बॉन्डिंग मौजूद है, ये ब्रेक हो जाएगी, सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन जहां पे डबल बॉन्डिंग ले वहां पे रिप्ले आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 1-2-डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, यानी ए जो बनेगा वो 1-2-डाइब्रोमो प्रोपेन। सेकंड स्टेप में हम करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहलिक है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो अल्कोहलिक होता है वो क्या करता है, पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का है तो ब्रोमीन ग्रुप 7 का है, तो ये आसानी से रिप्लेस कर लेगा और ये आपस में पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेंगे और साथ में एडजेसेंट का हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और OH ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल, तो पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी जिन दो एलिमेंट कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारा, जो है नेक्स्ट हमारा जो है सी सेकेंड वाला इथाइल अल्कोहल और उसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सी बनेगा, और फिर जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो डी बनेगा। इथाइल अल्कोहल हम का फॉर्मूला CH3CH2OH है, C2H5OH, इसको कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, अभी हमने पिछले उसमें वीडियो में भी देखा था 140 से 170 पे कराएंगे, तो ये OH ग्रुप और एडजेसेंट का हाइड्रोजन मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस होता है और ये डबल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो इथीन बनेगा। डी जो हमारे है नेक्स्ट वाला, वो क्या होगा, ये इथीन जो है रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, यानी हम ब्रोमिनेशन करते हैं, जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो डबल बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है सिंगल बॉन्डिंग में, और ये डबल बॉन्डिंग की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा और ब्रोमीन जो बनेगा वो हमारे पास एडजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, 1-2-डाइब्रोमो इथीन बनेगा, इसका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और जो डबल बॉन्डिंग है वो खत्म होकर सिंगल बॉन्डिंग में हो जाएगी, और जो डबल बॉन्डिंग जैसे जगह बची है वहां पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाउ यू कैन कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइन, इथीन को इथाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर लें, ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करने के बाद, और चूंकि ये एक्वा सोल्यूशन में करवाया जाता है तो OH ग्रुप जो है और OH भी वाफिन मकदार में होता है, फिर यहाँ पे एडजेशन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस करके यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा, तो पहले डबल बॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी ट्रिपल बॉन्डिंग में। ठीक है, इस तरह इथीन से हम इथाइन प्रिपेयर कर सकते ऐसे ब्रोमिनेशन की मदद से, और फिर सेकेंड स्टेप में इसको ट्रीट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 15 में हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट डिजाइन करना है, यू आर गिविंग टू फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन दिए जा रहे हैं, एक अल्केन है एक अल्कीन है, इसको हम हमें करना क्या है, वन ऑफ देम इज अल्कीन एंड अदर इज अल्केन, एक अल्कीन है एक अल्केन है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट विच इज विच, हमें ये मालूम करना है कौन सा जो अल्केन है कौन सा अल्कीन है, अल्केन जो है सेचुरेटेड होता है तो ब्रोमीन वाटर से वो रिएक्शन नहीं देगा, अल्कीन जो है वो अनसेचुरेटेड होता है तो जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, ब्रोमीन का कलर खत्म हो जाएगा, इस तरह का अल्केन है तो ब्रोमीन का कलर बरकरार रहेगा और अल्कीन है तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा, तो ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, अगर अल्केन है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अल्कीन होगा तो प्रोडक्ट में हमें क्या बन जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा, ये 1-2-डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, ये इसको हम
ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्केन सेचुरेटेड है, अल्कीन अनसेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड अगर होगा तो ब्रोमीन का रिएक्शन नहीं होगा, अनसेचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, और ब्रोमीन क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हाउ मैनी पॉसिबल प्रोडक्ट आर देयर वेन क्लोरीन रिएक्ट विद इथेन। अच्छा, हम मीथेन से हम करवा चुके हैं, हमें पता है चार प्रोडक्ट बनता है, तो मोनोक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन, ठीक है। अगर हम इथीन से करें, यानी यहाँ पे कार्बन के दो एटम है, जब दो एटम होंगे तो हर दफा एक एक हाथ क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता रहेगा, और आखिर में जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, वो क्लोरीन आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मोनोक्लोरो इथेन बनेगा, इथेन बनेगा, दूसरे में डाइक्लोरो इथेन बनेगा, तीसरे में ट्राइक्लोरो इथेन बनेगा, चौथे में टेट्राक्लोरो इथेन बनेगा, पांचवे में पेंटाक्लोरो इथेन बनेगा, और छठे में हेक्साकल क्लोरो इथेन। ये मैक्सिमम छह पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये इसी तरह है जैसे मीथेन के साथ आपने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया, इसी तरह इथेन के साथ भी क्लोरीन का रिएक्शन होता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है, स्केलेटन बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कंपाउंड की। तो इथेन को जब हम करेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्ट, हमारे पास छह प्रोडक्ट पॉसिबल है। अच्छा, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इथीन और इथाइन में। इथीन और इथाइन के जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लैब के अंदर टेस्टिंग करते हैं, ये आप करके देखिएगा। दो मेथड हमारे पास है, एक हम पहले जो है वह इथाइन को कर लेते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, टेस्ट किया जाता है। उसमें हम करते क्या है कि हम जो है इथाइन लेंगे, उसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे, तो ये क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कलर कैसा चेंज होगा, व्हाइट, ये ट्रांसपेरेंट आपको नजर आता है, ये व्हाइट, येलोइश व्हाइट क्रिस्टल क्रिस्टेट बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो येलोइश व्हाइट क्रिस्टेट है, ये बताता है कि ये इथाइन की प्रेजेंस में पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिल्वर और कार्बन के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो मिलते हैं, और क्या बनाते हैं, एसिटिलाइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा टेस्ट जो हमारा है वो अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड टेस्ट है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसको हम इथीन के टेस्ट करने के लिए करते हैं, कंफर्म करने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप जो है अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड का इथाइलिन या इथीन के अंदर डालेंगे, और जब हम डालेंगे तो क्या होगा, अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो इथीन है, और अगर चेंज आ रहा है तो वो इथाइन है। और इसमें कैसा कलर आता है, इथाइन जो होता है वो रेड कलर का होता है, इथीन में कोई कलर चेंज नहीं होता है। इस तरह हम कंफर्मेशन के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और इस चैप्टर फर्दर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज आप कमेंट्स में करिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू।